Hello, Hindu talk show, Trollywood Talk, an association with Uday Garudachar, YMLA Chikpete constituency, and sponsored by Laggere Narayana Swami and Manjula Narayana Swami. You're watching India's number one talk show. Hello, Hindu. Mumbai, Hyderabad, Bengaluru, Chennai, Tiruvananthapuram. Yellalu Namde Hava. नमस्ते नानु लग्गेरे नारायण स्वामी हलो इदु टाक शो आल इंडिया सेलिब्रिटी टूर् प्रारंभवागिदे ईगागले टालीवुड ना नट नटियरन्न इंट्रू माडिदरे ओंदु कन्नड माध्यम देशद नाना भाषेगळ कलाविदरन्न इंट्रू माडुत्तिरोदु इदु प्रप्रथमवागिदे हागागि ई ओंदु हलो इदु तंडक्के नानु शुभ हारैस्तेने हागे बालीवुड हालीवुड चित्ररंगद कलाविदरन्न इंट्रू माडली यशस्वी अत्तु कार्यक्रम आगली अंत नानु हृदयपूर्वक शुभ हारैसुत्तेने। नमस्कार, नानु निम्म उदय गरुडाचार मातनाडता इदीनि। प्रप्रथम बारी हेलो हिदु टाक् शो कर्नाटकदल्लि नडेयता इदे, नानवरिगे शुभवन्नु हारैसुत्तेने। इदे रीति हलो हिदु टाक् शो बेरे बेरे चित्ररंगदल्लि टालीवुड आगलि बालीवुड आगलि कन्नड आगलि मलयालम आगलि एल्ल कडे होग्ता इद्दारे। हेलो हिदु टाक् शो सक्सेस्फुल आगलि अंत नानु हारैसुत्तेने। ఎదుట నిలిచింది చూడు నిన్న నుడి సుమనెంగెల్లి నిన్న నుడి సుమనెంగెల్లి సుదీప్ సార్ అంటే తుంబా ఇష్ట నీ కింగ్డమ్ నే కూజికొండ కాను రామ గాడి చోరా కే దిల్ మేరా చెనీ మే చెనీ ನಾನು ಷಣ್ಮುಖ ಪ್ರಿಯಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಗಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಹಾಡ್ತೀನಿ। ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಟಾಕ್ ಶೋ। ಹಲೋ ಹಿದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಯ್ಯದ್ ಹಿದಾಯತ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲರ್ಟ್। ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ। ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಶೂಟ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಆ ಶೂಟ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಅವರ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಹಾ ಅಂತ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತೀರಾ। ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಷಣ್ಮುಖ ಪ್ರಿಯಾ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಎಲ್ಲ ಉನ್ನಾರು? ಐ ಆಮ್ ಗುಡ್। कैसे रहा था इंडियन आइडल का जर्नी? बहुत ही अच्छा रहा था। इंडियन आइडल इज़ वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल जर्नीज इन माय होल एंटायर लाइफ एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। और बहुत ही मजा आया था उसमें। कैसे आपको कॉल आया इंडियन आइडल से? व्हाट वाज योर रिएक्शन लाइक? वेल, मैं तो बचपन से ही इंडियन आइडल देखते आ रही थी और हाँ। बचपन से ही मैंने एक डिसाइड कर लिया कि मैं मतलब जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मतलब अबाउ 15 जब मैं हो जाऊंगी तो मैं इंडियन आइडल में पार्टिसिपेट करने के लिए मैं पहले से ही सोच रही थी। और फाइनली जब मैं वहाँ पे गई थी और ऑडिशंस पे गई थी एंड देन आई गॉट सेलेक्टेड और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया था मुझे पैनल से। सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड और या आई वॉज लाइक फाइनली माई ड्रीम कम ट्रू। और ये मेरा ही नहीं, मेरे मम्मा पापा का भी सपना था। दे वॉन्टेड टू सी मी performing in idol stage। So bahut hi acha raha tha and I'm like speechless about the whole idol experience। Acha, to dusri taraf telugu mein bhi bahut sare shows mein aapne participate kiya tha, choti si bachchi sp sir ke sath gana gana aur unke sath wo stage share karna kaise feel hota tha? Well, main actually mera musical journey 2008 se shuru hua hai aur abhi इंडियन आइडल सीजन 12 इज माई 12th रियलिटी शो। सो 12 रियलिटी शोज किए हैं मैंने मेरी लाइफ में और बहुत कुछ सीखने को मिला है। और तेलुगु में किया है, तमिल में किया है और हिंदी में किया है।
सो इट्स लाइक मतलब आई थिंक जनता से जो प्यार मुझे मिला है वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, और मैं अभी जहाँ पे भी हूँ वो सिर्फ उनकी सपोर्ट, उनकी लव एंड सपोर्ट और उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से मैं यहाँ पे हूँ. और या एक्चुअली ये आई थिंक जब मैं शुरू किया था ये मतलब रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट करना, आई थिंक आई हैव ग्रोन मोर इन रियलिटी शोज देन एट होम, क्योंकि मैंने बहुत सारे रियलिटी शोज कर रही थी और शोज कर रही थी, नॉर्मल शोज कर रही थी और यहाँ वहाँ घूम रही थी. सो आई थिंक पढ़ाई के लिए टाइम मिलता है क्या? पढ़ाई के लिए एक्चुअली मैं स्कूल उतना नहीं जाती थी क्योंकि ये शोज की वजह से आई यूज्ड टू मिस लॉट्स ऑफ क्लासेस, बट मेरे जो स्कूल है वो बहुत ही सपोर्टिव है और मैं जब भी मैं शोज पे जाती हूँ तो मैं बुक्स कैरी करती हूँ और जब भी मुझे टाइम मिलती है तो वहाँ पे मैं पढ़ाई करती हूँ और मुझे पढ़ाई करना बहुत ही पसंद है. एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट द वे आई स्कोर, क्योंकि अभी इंटर सेकेंड ईयर भी हो गया मेरा है और आई गॉट 97%. वाओ. सो या और दोनों ही करूँगी मैं, म्यूजिक एंड स्टडीज. अच्छा, मैं बहुत सारे लोगों से ये बात सुनता हूँ कि सब लोग कहते हैं जो म्यूजिक में परफेक्ट रहता है वो पढ़ाई में परफेक्ट रहता है. क्या जादू क्या है ये? मैंने भी सुना है बहुत ये, बट मुझे वो नहीं पता कि क्या है एग्जैक्टली. बट मैं पता नहीं, मैं बचपन से ही कॉन्सेंट्रेशन करना अच्छा होता है. यस, कॉन्सेंट्रेशन से करती हूँ और कभी कभी ऐसा होता है कि जब अगर कोई आंसर नहीं आती है तो म्यूजिक मतलब ऐसे ट्यून्स में बिठा देती हूँ मैं उस आंसर को, और एग्जाम्स के समय अगर कुछ वैसा क्वेश्चन आ गया तो मतलब गाने तो मुझे बहुत जल्दी याद हो जाते. सो या वैसे एकदम मतलब ऐसे गाना गा के मैं पढ़ाई ऐसे करती हूँ मैं. अच्छा, ये गाने का शौक किस को देख के पैदा हुआ? Well, I think मेरा inspiration, my first guru, सब कुछ मेरे मम्मा पापा है. हाँ. क्योंकि मम्मा पापा दोनों ही म्यूजिशियंस हैं. मम्मा ने MA म्यूजिक किया है, पापा भी MA म्यूजिक किया है, गाते हैं और इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले करते हैं. सो पूरा घर में तो पूरा म्यूजिकल एटमोसफेयर होते हैं और बचपन में वो दोनों कॉन्सर्ट्स करते थे एंड देन आई यूज टू गो एंड आई यूज टू लिसन टू देम. और उसके बाद चार साल में व्हेन आई वाज 4 इयर्स ओल्ड एक अलार्म पीस था. हाँ. और उसमें एक कोई ट्यून बज रहा था करके एक ट्यून बज रहा था एंड देन मैं ऐसे ही खेलते करते आई सेट द नोटेशन ऑफ इट. तो उसके बाद मम्मा पापा वो रिकॉग्नाइज किया है और उसके बाद पापा ने वीणा में प्ले किया था टू सी वेदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग. तो उसके बाद वो सही था, मैंने जो भी कहा था वो सही था. उसके बाद वहाँ से मम्मा पापा मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे थे और उन्होंने मुझे कर्नाटिक क्लासिकल यू नो दे आर टीचिंग मी, और अभी भी मैं उनसे ही कर्नाटिक क्लासिकल सीख रही हूँ. सो आई थिंक सब कुछ माय इंस्पिरेशन, माय फर्स्ट गुरु, सब कुछ मम्मा पापा से ही है. ओके. जब आप इंडियन आइडल प्रोग्राम में गाना गा रही थी तो अपनी आपकी माँ भी लिप सिंग करती है बैठ के, वो भी गाना गाती है, मजे करती है, तो वो मोमेंट देखना ही एक लाइक वो एक फेस्टिवल की तरह रहता. हाँ. तो आपको क्या फील हो रहा था जब आप वीडियोस देख रही थी इंडियन आइडल? हाँ. के तब पहले तो मेरी मम्मा हमेशा बचपन से ही मेरे साथ रहती है. हाँ. और मम्मा पापा दोनों ही मेरे साथ रहते थे और ऐसा है कि जब भी मैं गाना गाती हूँ मतलब शोज के जब भी मैं गाना गाती हूँ उसके पहले मैं मम्मा को एक बार सुनती हूँ, सुनाती हूँ कि वो कैसा है, कैसा हो रहा है, और शी इज़ टू करेक्ट मी अगर कोई है या कुछ सजेशंस है, सब कुछ बताती थी. और पर आइडल में क्या हुआ कि सिर्फ मैं और मम्मा वहाँ पे थे और पापा वाइजाग में ही थे घर पे, पूरा अकेले पूरा सब कुछ काम कर रहे थे मेरी वजह से यू नो टू सपोर्ट मी. सो दैट्स द काइंड ऑफ सपोर्ट विच आई गॉट फ्रॉम माय पेरेंट्स एंड आई एम वेरी लकी. सो हाँ, तो पापा को भी मैं पूरा रिहर्सल सब कुछ भेज देती थी और पापा भी पूरा सजेशन सब कुछ यू नो मुझे भेजते थे. और हाँ, तो मैं मम्मा के साथ प्रैक्टिस करती हूँ. आई थिंक कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे से भी ज़्यादा मम्मा प्रैक्टिस करती है. हाँ, गाने से वो मम्मा को, मैं जो भी गाती हूँ वो मम्मा को पूरा पूरी तरह याद है. हाँ. और कहाँ कहाँ पे क्या क्या इम्प्रोवाइजेशन करती हूँ वो सब कुछ मम्मा को याद है. तो इसीलिए जब मैं गाती हूँ तो मम्मा मेरे से थोड़ा ज़्यादा टेंशन नर्वस फील होती है आई थिंक एंड शी सिंग विथ मी. ओके. सिंग करती है. कौन सा गाना था पहली बार आपने गाया मेरे लाइफ में? हाँ. एक तेलुगु सॉन्ग है वीणा मेरा मैना करके, वो SPB गा सकते हो हमारे लिए? जी बिल्कुल. Mm-hmm.
वीण वेणु वैन सरिगम विन्नावा ओ तीगरागमैन मधुरे मकन्नावा तनुवु तह तह लाडाल चलरे गाल चलियु गालौ याललि वेडलु वीण वेणु वैन सरिगम विन्नावा ओ तीगरागमैन मधुरे मकन्नावा। सब लोग जब भी हम एक्टर्स को मिलते हैं तो पूछते हैं तुम्हारी खूबसूरती का राज क्या है, तो आपकी वॉइस का राज क्या है? Well, I don't know, मुझे भी नहीं पता। But I think, मतलब I have to say this कि मुझे ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि ऐसे ये नहीं खाना है या ये नहीं छूना है। हाँ, ये नहीं छूना है। As singer है तो गला के लिए बहुत ख्याल रखना पड़ता है। ख्याल रखना पड़ता है बट मेरे लिए वैसा मतलब स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं आइसक्रीम्स भी खाती हूँ, चॉकलेट्स भी खाती हूँ और वैसा ही गाना भी गाती हूँ खाना खाते खाते। या सो राज तो मुझे भी नहीं पता। आई जस्ट लव म्यूजिक, आई जस्ट लव सिंगिंग। ओके, पहले कौन सा गाना था वो जो आपके माँ और डैड को इम्प्रेस कर दिया? मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैं जब भी गाती हूँ उसके बाद मम्मा पापा के चेहरे पे एक स्माइल हमेशा रहती है और मम्मा और उनको सच में अगर पसंद आया तो दे विल बी लाइक बहुत ही अच्छा गाया, बहुत ही अच्छा गाया, मतलब दे गिव मी दैट कॉन्फिडेंस। तो हाँ, तो वैसा कोई गाना पर्टिकुलरली ऐसा कोई है ही नहीं। आई थिंक मैं जब भी गाती हूँ मम्मा पापा को पसंद आती है वो हमेशा। पर अभी मतलब कुछ गाने ऐसे हैं जो मैंने थोड़ा यहाँ वहाँ कर दी तो पापा मामा उतना मतलब स्ट्रिक्ट वैसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं डांटते हैं बट प्यार से समझाते हैं कि ये अच्छा है बट और अच्छा हो सकता था और यहाँ यहाँ वहाँ अगर और इम्प्रूव करेंगे तो ये और बेटर हो सकता था, वैसा बोलते हैं। इंडियन आइडल के मंच पे एक वीटी प्ले हुआ विजय देवरकोंडा जी का, आपका रिएक्शन देख के मैं तो वाव ऐसा फील हो रहा था मुझे, तो उसके बारे में बताइए। अरे वो तो अनबिलीवेबल, अभी भी मुझे वो यकीन नहीं हो रहा था कि वो मेरे साथ हुआ था क्योंकि मैंने तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विजय देवरकोंडा सर मुझे देखेंगे या मुझे सपोर्ट करेंगे। और जब उन्होंने कहा कि मैं तुमको बचपन से देख रही थी और सपोर्ट कर रहा था, सब ये सब बोल रहे थे, आई वाज लाइक कि ओह माय गॉड ये सच में हो रहा है क्या, वैसा था मेरा, मैं एकदम शॉक हो गई थी। किसी को बोला पिंच करो मुझे बोल के? अरे मैं तो मेरे पास जय भैया था एंकर और उनको मैं आई वाज लाइक आस्किंग कि ये सच में हो रहा था कि ये सच है क्या, वैसा था। और उसके बाद ही ऑफर्ड a song to sing a song in his next film, तो वो तो मैंने एक्सपेक्ट किया ही नहीं है। और उसके बाद आई रिकॉर्डेड अ सॉन्ग फॉर लाइगर मूवी, विजय देवरकोंडा सर का लाइगर मूवी में मैंने एक गाना गाया था और उसका रिकॉर्डिंग भी हो गया। और आई एम वेरी एक्साइटेड और आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द रिलीज। ओके, मुझे और एक मोमेंट बहुत हमेशा के लिए याद रहेगा क्योंकि मैं उन्हें बहुत चाहता हूँ, वो आके आपको ऐसे गले लगा देती है, रेखा जी। वो मोमेंट कैसे रहा था? रेखा मैम वाले एपिसोड इज वन ऑफ माय फेवरेट एपिसोड्स ऑफ 75 एपिसोड्स ऑफ आइडल क्योंकि रेखा मैम ने एक समा बांध दिया था। इट्स लाइक अमेजिंग, इट्स लाइक डिविनिटी था उनके प्रेजेंस में और ओ माय गॉड मेरा फेवरेट एपिसोड था वो। और मैंने उनके सामने उनका ही गाना गाया था और बहुत ही इम्प्रेस हुए थे। एंड देन शी सेड एंड देन मैंने डांस भी किया था उनके साथ किया और था। उन्होंने ही बोला था ना डांस करो बोल के, उन्होंने ही बोला था और मुझे भी नहीं पता कि मैं डांस कर सकती हूँ कि नहीं, मुझे भी नहीं पता था। बट या आई मीन आई फील सो लकी, आई फील सो ब्लेस्ड दैट कि मैंने रेखा मैम के सामने परफॉर्म किया था क्योंकि मैंने तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं उनको एटलीस्ट दूर से भी अगर देख पाऊँ। So yeah, it's one of like a dream come true wali moments. Okay, to achieve all this, what you made sacrifice? बहुत कुछ रहता है, वक्त देना पड़ता है, बहुत कुछ sacrifice करना पड़ता है, तो क्या कुछ sacrifice किया था आपने? Well, I think first of all it comes to my mom and dad के उन्होंने जो भी किया है क्योंकि
मम्मा एक स्कूल में म्यूजिक टीचर है बट मेरे वजह से शी डोंट गो टू द कॉलेज एंड स्टफ स्कूल नहीं जाती है वो मेरे साथ रहती है सो स्कूल नहीं जाती है मम्मा और पापा क्या है कि मैं और मम्मा हम दोनों वहाँ पे थे मुंबई में और पापा अकेले यहाँ पे थे वाइजाग में और सिर्फ मेरे मुझे सपोर्ट करने के लिए सिर्फ अकेले यहाँ पे घर का काम खाना सब कुछ सिर्फ पापा ही करते थे और कोई था ही नहीं और आई थिंक मोर देन मी आई थिंक माय मॉम एंड डैड रियली वर्क वेरी हार्ड और उसके बाद मुझे मेरा जो पैशन है थ्रू म्यूज़िक टुवर्ड्स म्यूज़िक आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स मी लाइक यू नो स्टैंड अप ऑन दिस और आई थिंक मोर देन दैट मुझे ये जो सपोर्ट जनता से जो मिलती है वो That is my strongest thing. I mean, I'm very thankful to each and everyone who supports me. और मतलब आप लोगों की वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ अगर आप नहीं होते तो मैं यहाँ पे नहीं होती और आई थिंक मतलब आप जिस तरीके से मुझे आपके सपोर्ट दे रहे थे थ्रू माई टफ टाइम्स और अप्स एंड डाउन्स भी हुए थे और उस टाइम पर आप जिस तरीके से मुझे सपोर्ट कर रहे थे वो उसी की वजह से अभी यहाँ पे हूँ और बहुत ही कॉन्फिडेंस अगर हुआ तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द लव एंड सपोर्ट विच आई गेट फ्रॉम द ऑडियंस और वो भी मेरे फैमिली तरह ही है और मैं सिर्फ उनको यही कहना चाहती हूँ कि आपने बचपन से लेकर अब तक मुझे बहुत सपोर्ट किया है सो फ्यूचर में भी आई प्रोमिस आई विल एंटरटेन थ्रू आउट थ्रू माई सॉन्ग्स थ्रू आउट माई होल एंटायर लाइफ सो आप प्लीज़ मेरे साथ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और मेरे साथ ऐसे ही रहिए और या लेट्स हैव एन अमेजिंग लाइफ और थैंक यू सो मच आई लव यू ऑल अ लॉट ओके और उसके साथ हमारी कनाडा ऑडियंस भी बहुत दीवानी हो गई है आपकी आवाज़ की तो कोई कनाडा गाना गा सकती हैं आप मैं तो बहुत ही सुनती हूँ मुझे बहुत पसंद है कन्नड़ा हाँ. गाने बट मुझे लिरिक्स का मुझे नहीं पता कन्नड़ा हाँ. गाना तो आई थिंक देर इज अ सॉन्ग बट मुझे कन्नड़ा लिरिक्स में नहीं आती बट हाँ. वो तेलुगु लिरिक्स में आती है तो आई एम गोना सिंग ओ नोडी ಈಗ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನು ತೆಲುಗು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾ ಷಣ್ಮುಖ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರು This is the only one thing which I have really understood. Oh my god. Go. Okay, to all the Kannada audience. ಎದುಟ ನಿಲಿಚಿಂದಿ ಚೂಡು ಚಲತಾರು ವೆನ್ನೆಲೆಮೋ ಎದನು ತಡಿಪಿಂದಿ ನೇಡು ಚಿನು ಕಂಟಿ ಚಿನ್ನದೇಮೋ ಮೈ ಮರಚಿಪೋಯ ಮಾಯಲೋ ಪ್ರಾಣಮಂತ ಮೀದುಂಟೇ ವಾನವೀಡಲ ಎದುಟ ನಿಲಿಚಿಂದಿ ಚೂಡು ಓ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ ಯಾಕೋ ಇಂದು ಈ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನ ಹಾಡಿದ್ದು ಸೊ ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ರು ಅಪ್ಪ ಅದ್ಭುತ ಓಕೆ ಕೋಯಿ ಸಾಂಗ್ ಟ್ರೈ ಕರೆಂಗಿ ಆಪ್ ಮೈ ಪ್ಲೇ ಕರ್ಕೆ ದೂಂಗಾ ಹಾ ಹೇಳಲ ಮಗರ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಸುಮ ಹೆಂಗಿರ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಕರೆಂಗ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಸುಮ ಹೆಂಗಿರ್ಲಿ ಓಕೆ ಕಣ್ಣು ಹೊಡಿಯಾಕ ಮೊನ್ನೆ ಕಲ್ತಾನಿ ನೀನ ಹೇಳದ ಮಗನ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಸುಮ ಹೆಂಗಿರ್ಲಿ ವಾವ್ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಸುಮ ಹೆಂಗಿರ್ಲಿ वाओ सुपर कैसे कैच करती हो आप वर्ड्स को पर मुझे वो नहीं पता बट मुझे बहुत मजा आया अभी हाँ, ये गाना बहुत ही मस्त है हाँ नहीं ये गाने की वजह से मंगली हर जगह छा गई है हाँ, बहुत प्यार करते हैं लोग मंगली को और हर बस के पीछे मंगली का फोटो रहता है बिकॉज ऑफ ये सॉन्ग की वजह से तो कनाडा में कब गाने गा रही हैं आप वो नहीं पता मुझे जब आप देंगे तो मैं गा दूंगी आई एम वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी कोई कनाडा फिल्म देखती हो आप लाइक कनाडा फिल्म तो मतलब जैसे जो कोई एक्टर ऐसा कुछ पता रहता है ना सालों पहले मैंने एक कनाडा फिल्म देखी है बट अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो क्या है बट
हाँ, मैं तो मतलब कभी कभी देखती हूँ मैं। हाँ, हाँ। किच्छा सुदीप पता है आपको? हाँ, 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 पता है ना, वो नानी मूवी, नानी मूवी में ईगा में है ना। ईगा, ईगा, ईगा। हाँ, हाँ, वो मैंने देखा, देखा वो, है। हाँ, हाँ, वो तो हमारे कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। क्या कहना चाहेंगी? अरे मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ मैं। हाँ, और मुझे उनकी एक्टिंग बहुत ही ज्यादा पसंद है और हाँ, वो क्रिकेट भी खेलते हैं। हाँ, हाँ, तो और दबंग में भी धमाका हाँ, किया था। अरे मैं तो बहुत ही बड़ी फैन हूँ मैं उनके। अच्छा, तो मैं एक नाम बोलता हूँ एक्टर्स का, वो एक्टर्स को आप सॉन्ग डेडिकेट करना है आपको। ठीक है, माधुरी दीक्षित। घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। शिल्पा शेट्टी। ओके, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, ना 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 ना। उड़ा के निंदिया चली, मैं चली कहाँ चली, पागल हुआ दीवाना हुआ, पागल हुआ दीवाना हुआ, कैसी ये दिल की लगी। जूही चावला। बढ़िया, आई हैव दिस सॉन्ग। वो कौन सा गाना है, रुक भूल गई, कौन सा है वो? मुंबई से चली पूना, वो है। मुंबई से गई पूना, पूना से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पटना, फिर भी न मिला सजना, फिर भी हम है राही प्यार है, हम है राही प्यार है, हम है राही प्यार है, हम है राही प्यार है। ओके, तेलुगु एक्ट्रेस का बोलता हूँ, तेलुगु में गाना पड़ेगा। ओके, चिरंजीवी सर। हाँ, संदे पुदल काड़ा संपंगिन विंदी, अंदगाड़ी की तोड़ू चली गाली रमंदी, मब्बु पटे कल्लू तो बिब्बुला ये बुल्लू, यवर की सुंदो ये मातुंदो, यवर की सुंदो ये मातुंदो। नागार्जुन सर। नागार्जुन सर, అందమా అందుమా, అందనంటే అందమా, చైత్రమా చేరుమా, చేరనంటే న్యాయమా, ప్రాణమున్న పడి బొమ్మ పారిజాత పూల కొమ్మ పర్వశాలు పంచవమ్మ పాల సంద్రమా। జూనియర్ ఎన్టీఆర్। जूनियर एन टी आर, आई वाज अबाउट टू से नाचो रे नाचो रे ओ, ये बोले क्योंकि वो बहुत मस्त डांस करते हैं। अल्लू सर। अल्लू अर्जुन सर ना। हाँ, उट बोमा उट बोमा, ननु सुटू कुंटी वे, जिंदगी के अट बोमाई जंट कटू कुंटी वे, बुट बोमा बुट बोमा, ननु सुटू कुंटी वे, जिंदगी के अट बोमाई जंट कटू कुंटी वे। ये स्टेप ना मैं बहुत मुश्किल से सीखा, वो आटा संदीप के पास से ऐसे कुछ रखी। ओके, सुदीप सर के लिए। మై నేమ్ ఇస్ డానీ, నేనీగనైతే కానీ, నీ గుండెల్లో పేలనున్న న్యూక్లియర్ మిసైల్ నీ, నీ రేంజ్ పెద్దదవని, నా సైజు చిన్నదవని, నీ కింగ్డమ్ నే కూచుకుంట కాను రామ గాడి, ఈగ 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 యముడి మెరుపు తీగ, ఇజి ఇజి ఇజిగా తేరే జాను లేక। ओके, जान तो सबके लेगा बिकॉज। हाँ, जूनियर एनटीआर का मैं गा दूंगा, गा दो। हे राखी 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 ना का वसाकी, नीके गुरी पड़तुंदे ई कन्ने तुपाकी, लड़की 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 ना आंध्रा लड़की, तूसुकु वस्तुन्नावे नु ना वळ्ळोकी, वेळ्ळकु वळ्ळोकी ఒంటరిగా ఊరేగి, అందరు గొద్ది ఎగబడదా వైకి, రాబా 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 రెక్కల గుర్రం ఎక్కి, ఎత్తుకుపోబా నీతో చుక్కా లోకంలోకి। వావ్, కోన్ సే యాక్టర్ కి లియే వో జో
सपना रहता है ना इस एक्टर को जरूर आवाज देनी चाहिए, ऐसा कुछ है? एक तो हो गया विजय देवरकोंडा सर का हो गया, बट बाकी मैं तो सबके लिए गाना चाहती हूँ, सब हीरो सब हीरोइंस के लिए मैं गाना चाहती हूँ। लैंग्वेज आल्सो इज नॉट बैरियर, नो लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, मैं तो सब के लिए गाना चाहती हूँ। ओके, फाइनली क्या कहेंगी प्रोग्राम के थ्रू? सब जनता को आई थिंक आई वॉन्ट टू से थैंक यू सो मच, और मुझे इतना प्यार किया, मुझे इतना सपोर्ट किया, सो सभी को थैंक यू सो मच, और आपको थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, और ये जो कन्नड़ा 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 चैनल है, हेलो हिंदू टॉक शो है। ओके, हेलो हिंदू टॉक शो, ओके हेलो हिंदू टॉक शो, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड कनाडा में जितने भी है सभी को थैंक यू सो मच, मेरा प्यार, और सब सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, एंड आई लव यू ऑल सो मच। वो कौन सा गाना है? तुम ख्वाबों में आते रहना, उसी तरह कर्नाटका को भी आके गाते रहना। जी बिल्कुल, आई लव टू कम टू कर्नाटका एंड आई लव टू सिंग फॉर यू। चलो ठीक है, तो कनाडा में लोगों को बोलेंगे आप कर्नाटका आएंगे और कनाडा गाने गाएंगे बोल के, ठीक है? कनाडा में मैं सिखाता हूँ आपको। ओके, नानू नानू आपका नाम बोलो। नानू षणमुख प्रिया। हाँ, निम्म प्रीतिय हुडुगी। निम्म प्रीतिय हुडुगी। हुडुगी निम्म प्रीतिय हुडुगी, हाँ मतलब आपकी प्यारी सी षणमुख प्रिया। कर्नाटक के बंधु। कर्नाटक के बंधु। कन्नड़ा सॉन्ग्स हाड़तीनी। कन्नडा सॉन्ग्स हाड़तीनी। सुदीप सर के फैन हो ना? हाँ। सुदीप सर अंदर तुम्बा इष्टा। सुदीप सर अंदर तुम्बा इष्टा। ओके, सुदीप सर अंदर तुम्बा इष्टा। वाओ, थैंक यू सो मच, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, फिर मिलते रहेंगे और भी आगे और भी तारों की तरह चमकते रहे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ಓಕೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಂತಹ ಷಣ್ಮುಖ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ಮಾತುಗಳು. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲರ್ಟ್, ನಾನು ಸೈಯದ್ ಹಿದಾಯತ್. ಹಾಯ್, ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲರ್ಟ್, ಲೈಕ್ ಕರು, ಶೇರ್ ಕರು, ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕರು. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರೂಪಾ ಮೌಲಿ, ಹಲೋ ಹಿದು ಟಾಕ್ ಶೋ ಇಂದ. ಹಲೋ ಹಿದು ಟಾಕ್ ಶೋ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಶೋ. ಈ ಶೋ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ವಾರಿಯರ್ ಆದ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆತಂದು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜನತಾ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಘೋಷಿಸಿದ್ರು ಸಂಡೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅದು ಅದಾದ 2-3 ಡೇಸಲ್ಲೇ ಇನ್ನೇನು ಅದು ಮುಗಿತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂಥರ ಆತಂಕ, ಆಮೇಲೆ ಕೊರತೆ, ಇವಾಗ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಫುಲ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಹೌ ಟು ಅವೈಲ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಇದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರು ಅವರಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ನ ಕಿದ್ವಾಯಿಗೆ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಎನ್ ಜಿ ಒ ಮತ್ತು ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ವಿ ಕುಡ್ ರೀಚ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ವಿಮೆನ್, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯೂನಿಸೆಫ್ ಕಿಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ಕಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫೋರ್ಟಿಫೈಡ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬಾಸ್, ಎನರ್ಜಿ ಬಾಸ್, ಆಮೇಲೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯಾನಿಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಮೇಡ್ ಅ ಕಿಟ್. ದಿಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಗ್ರೋಸರಿ ಕಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೋಸರಿ ಕಿಟ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅವರವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಮರತಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಯನಗರ್ ಸ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. 1000 ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜನರಿಗೆ, ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್, ಸೊ ಐ ಕುಡ್ ರೆಸೊನೇಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ವಿತ್ ಯರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಈ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅವರು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಫ್ರೂಟ್ಸು ಅದಿದೆಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದ ಅದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಫೇಸಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾಮಾ. ಅಗೇನ್ ವಿ ಬಾಟ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಇಟ್ ಟು ದ ನೀಡಿ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್. ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ ಟು ದೆಮ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಕೆಜಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಸಾರ್ಟೆಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ
ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಟ್ವೈಸ್ ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, 3 ಟನ್ಸ್ ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 ಟನ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೊಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ಫೆನ್ಸ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಾಯಿಗಳು ಒಳಗೆ ಇದೆ, ಅದು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಬಿಡ್ತೀವಂದರೆ ಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಟೆರೇಸ್ ಇದೆ, ಆ ಬ್ಯಾಚ್ ವೈಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಾಯಿಗಳಿಗೂ ಬಿಸಿಲು ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು, ಸನ್ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಟೆರೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮಗೊಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ನಾವೊಂದು ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಬೇಕು. ಈ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಜೊತೆ ಈಗ ಫುಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಸುಮಾರು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಫುಡ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತುಂಬ ನಾಯಿಗಳಿದೆ, ಊರಿನ ಒಳಗೇನು ಯಾರು ಫೀಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಾಯಿಗೂ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋರು ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ. ಕೆಲವು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬೆಡ್ ಬೇಕಂದರೆ ಅವು ಪೆರಲೈಸ್ಡ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಟರ್, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು 1 ಕೆಜಿ ಚಿಕನ್ ಅಥವಾ ಲೀವರ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಗೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಯಾರಾದರೂ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಗೆ ಬಂದು ನಾವು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧ ಅಜ್ಜ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಶೆಲ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಯಾರಿಲ್ಲ. ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನಂದರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾಯಿ ಸತ್ತೋಯಿತು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸಿವಿಯರ್ ಇಶ್ಯೂಸ. ನಮಗೆ ನಿಯರ್ ಬೈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಹೊಸೂರು, ಬಟ್ ಹೊಸೂರಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪುವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಪುವರ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೇನು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಿಷಿನ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. 2 ನಾಯಿ ಸಿವಿಯರ್ ಬೈಟಿಂದ ಸತ್ತೋಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಶೆಲ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಯ್ತು. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಪ್ಪೀಸು ಸತ್ತೋಯ್ತು, ನ್ಯೂಬಾರ್ನ್ ಪಪ್ಪೀಸು, ಪ್ರಿಮೆಚ್ಯೂರ್ ಪಪ್ಪೀಸ್. ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥ ಕೇರ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬರೋ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸು ನಮ್ಮ ಶೆಲ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ. ನೀವು ಮಾಡೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪ್ರಾಣನ ಉಳಿಸ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ. ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೊಂದು ಟ್ರಾಮಾ ಕೇರ್ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಈ ನಂಬರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಂಬರ್ ಬಂದು 7397092427. ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, 7397092427. ನಮ್ಮ ಶೆಲ್ಟರಿನ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಬಂದು communityindies18@gmail.com. ಹಾಂ, CO MMUNITY INDIES communityindies18@gmail.com. ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸೇ. ಹಲೋ, ಇದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಟಾಕ್ ಶೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮಿ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಆಲ್ ಅನಿಮಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಹೂ ರಿಯಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಅಗೇನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಹೂ ಗೇವ್ ಮಿ ಅ ಚಾನ್ಸ್ to showcase and focus how an animal suffers in society, and I'm very much thankful to this channel who gave me a chance to deliver this message to each and everyone. Each one of you can lend your support. It may be small, big, doesn't matter, but you can save one life. Pranigala samrakshane ellara hone.